बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज मैदान में आज खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने हुंकार रैली आयोजित की। इसमें हजारों की संख्या में बीकानेर और राजस्थान के अन्य जिलों के किसान और युवा शामिल हुए। इस रैली में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी शिरकत की। रैली के लिए शहर में करीब 1500 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए थे। हुंकार रैली में किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, रिक्त पदों को भरने और संविदा कर्मियों को स्थायी करने सहित कई मुद्दे उठाए गए। इससे पहले नागौर और बाड़मेर में भी बेनीवाल ने किसान हुंकार रैली का आयोजन किया था, जिसमें हरियाणा और पंजाब से भी किसान शामिल हुए थे। वहीं हनुमान बेनीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को पछाड़कर तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने का दावा किया है। उनका कहना था कि अजमेर और अलवर लोकसभा के 16 और मांडलगढ़ विधानसभा सहित कुल 17 विधानसभा क्षेत्र में जनता ने भाजपा को साफ कर दिया है। वहीं इन चुनाव में तीसरे मोर्चे का प्रत्याशी नहीं होने के कारण लोगों ने मजबूरी में सरकार विरोधी मत कांग्रेस के पक्ष में डाला है। अब जनता को तीसरे मोर्चे के लिए जागृत किया जाएगा।